हरे कृष्ण सुधी भक्तबिंद, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से है और स्वस्थ है। आज मैं आप लोगों को साथ बहुत दिन बाद एक बड़ा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी भगवान की थाली में कैसे रेडी करती हूँ। चलिए पहले मैं एक प्लेट ले लिया। समझ जाती हूँ क्योंकि भगवान के थाली या प्लेट हर टाइम क्या वो तांबे पीतल या कांसे का क्या चांदी का होता है, लेकिन हमारा पास वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इसी प्लेट का यूज़ करते हैं। फिर ले लिया एक बोल चावल, थोड़ा सा सलाद भी डाला है। अभी मैं ले रही हूँ एक बोल में पनीर, कैप्सिकम, टमाटर देकर एक चिली पनीर का सब्जी। ये चिली पनीर का जो सब्जी मैं बनाया ये खुद में बनाया, किसी का रेसिपी में नहीं देखकर बनाया। इस रेसिपी में बाद में आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। अभी मैं और एक बोल ले लिया, इसमें मैं डालूँगी पनीर आलू की सब्जी। जैसे पनीर आलू की सब्जी बनता है ना वैसे नहीं बना, थोड़ा अलग स्टाइल में बनाया। ये बनाया स्पेशल चावल के लिए, और मैं बनाया इसका साथ ओ नान रोटी। जो नान रोटी बाज़ार में मिलता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल वैसा ही बनाया घर में। घर में मैं कैसे नान रोटी बनाती हूँ वो भी आप लोगों को साथ एक दिन शेयर करूँगी। फिर मैं ले लिया सलाद। सलाद में मैं आज थोड़ा खीरा ही रखा क्योंकि घर में और कुछ सलाद अवेलेबल नहीं थे इसलिए। और भगवान को मैं जब देती हूँ ना भोग, तब मन से एक अलग ही आनंद आता है। जैसे लगता है भगवान हमारा पास ही में बैठा है, मैं उसको खिला रही हूँ पिला रही हूँ ऐसे ही। तो मैं एक नान रोटी अंदर से फोल्ड करके रखा क्योंकि इसका ऊपर बटर लगा हुआ है, ये प्लेट में लग जाएगा इसीलिए। और एक नान रोटी मैं बाहर से फोल्ड करके रखा क्योंकि ये बटर लगा हुआ है, देखने में भी अच्छा लगता है। और देखो ये चावल को मैं बोल से बोल बाहर निकल के रख दिया और चावल प्लेट में रह गया। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, आप लोग ऐसे ही एक दिन ट्राई करके देखो कितना अच्छा लगेगा, भगवान का थाली सुंदर लगेगा। और एक बात है, हम जिधर खाना बनाता है भोग बनाता है, जिधर भोग लगाता है, भगवान का मंदिर जिधर रहता है, उधर हर टाइम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए क्योंकि सब हर टाइम अगर शुद्ध रहेगा ना भगवान भी हमारा पास ही रहेगा। अगर हम कचरा करके रखेंगे या शुद्ध नहीं रहेगा तो क्या होगा, उधर भगवान नहीं रहेंगे, ये हमारा मन का विश्वास है। फिर मैं दो इधर आसन लगा लिया, उसका ऊपर थोड़ा फूल भी रख दिया। फिर हम उधर प्लेट रखेंगे और भोग लगाने का जो मंत्र है वो हम बोलेंगे, बोल के फिर भोग लगाने का जो तरीका है, जो रूल्स है वो कंप्लीट करेंगे। फिर 20 से 25 मिनट बाद हम भोग को उठाएंगे। जितना टाइम लगता है हमारा खाने में उतना टाइम ही लगता है भगवान को खाने में। फिर और एक प्लेट रख दिया, इधर हम पानी डालेंगे, जिसको हम भोग लगाएंगे उसी का नाम पर इधर पानी डालना पड़ता है। आपको आप लोगों को तो बहुत भक्तों को पता है कैसे भोग लगाना होता है, अगर किसी को पता नहीं हो तो कमेंट करके बताइए मैं कैसे भोग लगाते हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। चलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जब कृपा रहता है तब ओती छोटी चीज हो जाता है बहुत सुंदर। आप सबको
हरे कृष्णा। आप सब अच्छे से रहिए, सुस्त रहिए और भगवान चिंतामय रहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।